बैक टू अ न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो ऑफ डार्क टाउन एसएमपी। तो गाइस फिलहाल यार पिछली वाली वीडियो में तुम लोगों ने सब कुछ देख लिया होगा कि गाइस क्या क्या हुआ था यहाँ पे एंड बॉर्ची की तुम लोगों को शायद कहानी भी पता चल गई होगी। एंड फिलहाल यहाँ पे हम लोगों को गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं उसी कासल में। एंड तुम लोग सोच रहे होंगे कि गाइस मैं बार बार यहाँ पे इस कासल में दोबारा से क्यों आ रहा हूँ, तो मैं तुम लोगों को सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ कि गाइस जो बाबा था, गाइस उस बाबा का नाम था लंगोटिया बाबा। आई नो कि उसका नाम थोड़ा अजीब सा है बट स्टिल नाम तो उसका यही है। तो भाई उसने हमें ये बताया था कि गाइस हमें इस कासल के अंदर बॉर्ची के कुछ राज पता चलेंगे, उसी से हमें बॉर्ची के असली कासल का पता चलेगा। एंड ये विदर रोज तो भाई मेरे को मारे आ रहा है, तो गाइस वही पता चलेगा हमें। तो गाइस इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं एंड देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। बाय द वे तो गाइस तुम्हें यार वो सब तो पता ही होगा कि गाइस हमें प्रिजन मिली थी बॉर्ची के भाई की एंड वो फिलहाल अभी तो सेफ रखा है गाइस हम लोगों। ओके गाइस तो ये रहा भाई अपना कासल एंड इसके अंदर चलते हैं। चलो भाई एंड यार ये विदर रोज पता नहीं इसने इतने सारे कहाँ लगा रखे भाई, इन सबको तोड़ दूंगा। ओके 1 मिनट, टूट गया क्या? हाँ टूट गया भाई, सही हुआ। एंड बाय द वे अबे यार इतने विदर रोज भाई मेरे को पक्का इतनी खोपड़ियां लगा रखी है ना इस बॉर्ची ने, एंड लिख के भी रखता है भाई ये बंदा, ओपी ओपी। लेट्स गो ऊपर चलते हैं एंड ऊपर चल के देखते हैं इधर क्या क्या होता है। बाय द वे एंड ऑल राइट हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। आसमान तुम्हें दिख रहा होगा बिल्कुल ही साफ आसमान है, बस थोड़ी काली रातें ना हो जाए भाई। ये बॉर्ची का कासल ये रहा, मेरे को समझ नहीं आया था भाई हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था फिर पता नहीं कैसे बन गया था दोबारा, आई डोंट नो, बट देखते हैं क्या होता है। एंड ओके भाई मैं अपने पास टोटम भी लाया हूँ एंड तुम लोग को भाई इन्वेंट्री में तो दिख रहा होगा भाई एंडर चेस्ट में मैंने इतने TNT रखे हैं ना, ताकि अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो हम TNT यूज कर सकते हैं। एंड विदर रोज लेके घूम रहा हूँ मैं। ओके बाय द वे भाई मेरे को इधर एक बेड लगा देना चाहिए ताकि रिस्पॉन्स सेट कर लूँ, इधर बेड लगा देता हूँ मैं एंड इस पे रिस्पॉन्स सेट कर लेते हैं। चलो ओके रिस्पॉन्स मेरा सेट हो गया, नाइस। एंड लेट्स गो ब्लैक भाई, चलते हैं एंड वॉर्ची को फोड़ के आते हैं एंड उसके राज राज पता करते हैं जो भी उसके राज राज हैं। ऑल राइट भाई स्कल भी आ चुका है तो स्कल को हम लोग बाद में बुला लेंगे। ओके एंड फिलहाल इधर चलते हैं अंदर एंड लेकिन यार एक काम करते हैं भाई स्कल को लेके ही चलते हैं क्योंकि भाई अगर अंदर कोई खतरा होगा तो भाई स्कल हमें आगाह कर देगा उसके बारे में। तो लेट्स चेक आउट एंड वेट करते हैं जब तक स्कल आता है। हमारे साथ भाई अपने स्कल भाई भी आ चुके हैं टेक्नोब्लेड भाई एंड अब चलते हैं एंड देखते हैं भाई इसके अंदर क्या है। एंड तुम दोनों उछलना बंद करोगे, चलते हैं भाई अंदर एंड इस पे रिस्पॉन्स सेट कर लो भाई जिसको करना है। बैड देर खाया मैंने एक, बाय द वे चेक आउट करते हैं एंड यार इधर भाई अभी भी खून के धब्बे, आई डोंट नो क्या है। एंड भाई तुम लोग यार इसको देख सकते हो भाई क्या ही खतरनाक। एंड भाई अंदर तुम लोग देख लो गाइस बिल्कुल ही वैसी है भाई सब कुछ, डर भाई मेरे को भी लग रहा है यार, आई डोंट नो क्या सीन है। एंड इधर खून पड़ा हुआ है, पिछली बार इधर शायद विलेजर था एक, शायद उस विलेजर की मौत आ चुकी थी एंड उस विलेजर को मार दिया गया था, आई डोंट नो कि क्या सीन है बट स्टिल। एंड इधर कुछ है क्या, इसको चेक करता हूँ एंड इधर सिर्फ नॉर्मली कुछ है। एंड इधर चलो भाई अंडर चेस्ट रखी हुई है। अरे बॉर्ची ऐसे घर में नहीं रहता भाई, उस बाबा ने हमें बताया था ना कि उसका असली कासल नहीं है, इसके अंदर हमें कोई प्रूफ मिलेगा शायद असली कासल तक उसके जाने का। लेट्स गो एंड ऊपर चलते हैं, ऊपर का फ्लोर है क्या इधर से? चलो चलो ऊपर चलते हैं बाय द वे एंड देखते हैं ऊपर चल के क्या क्या होता है। खजाना, खजाना पता नहीं भाई खजाना होगा इधर ही कहीं, बॉर्ची की मर्जी है खजाना किधर है, छुपा के रखा हो क्या पता उसने कहीं तो। ओके अच्छा ये वही वाली लीव है ना जो इधर थी, अच्छा इसको इसने कवर करके रखा था आई थिंक, बट भाई कासल अब से मेरा, अरे जिसका भी हो यार देख लेंगे भाई। बट अच्छा इधर थर्ड फ्लोर में जाने का वो है एंड यस भाई इस कासल को बना सकते हैं, बट ये कासल भाई लिटरली स्कैरी सा है। एंड अरे भाई साहब इधर गाइस वही है भाई अपने पिछले स्ट्रीम में भी हम लोगों ने एक्सप्लोर किए थे, जैसे तुमको पता ही होगा भाई इधर इतने सारे विदर स्कल है भाई, ये तो अनब्रेकेबल है, क्या अनब्रेकेबल है भाई। ओके मैं ऊपर नहीं जा पा रहा, नाइस मुझे लगता है मेरे को इसमें एक स्टोन लगाना पड़ेगा, मैं अभी भी नहीं जा पा रहा, बहुत ज्यादा नाइस विदर स्कल। अरे ये क्या हुआ भाई विदर स्केलेटन कैसे मिले तुम्हें? व्हाट भाई रुको भाई मेरे को लगता है चेक करना पड़ेगा, कुछ तो चल रहा है ऊपर आई थिंक। अबे यार ये सीढ़ियां दिमाग खराब कर रही है मेरा। लेट्स गो एंड चेक आउट कहां है क्या है। ओ इतने सारे विदर स्कल कहां से आए
भाई 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 भाई, अबे यार इसने तो विदाउट डैमेज ओ भाई कितना डैमेज। ओ भाई 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 रुक जाओ यार भाइयों रुक जाओ। अबे इतने सारे कहाँ से आए, भयंकर मैं गया। अरे भाई मेरे को लगता है गोल्डन एप्पल ही खाना पड़ेगा वरना तो गेल खत्म। भाई साहब मेरे को इन्होंने उड़ा दिया। भाई रुको यार, अब मेरे को लगता है मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा उधर। सो यार मैं दोबारा जाता हूँ एंड दोबारा जाके अपना सामान वामान उठा के लाता हूँ। ओके गाइस, ओके भाई मिल गया क्या आर्मर। ओके भाई हो यार हम लोग वापस आ चुके हैं एंड अब भाई मैंने टोटम उठा लिया लिटरली हाथ में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इधर। बट भाई मेरे को समझ नहीं आया जिस बेड पे हमने रिस्पॉन पॉइंट सेट किया था वो वर्क क्यों नहीं कर रहा भाई। आई थिंक इसके अंदर, इस कासल के अंदर हम रिस्पॉन कर ही नहीं सकते अपने आप को, ऐसा कोई सीन है या फिर पता नहीं क्या है। बट स्टिल भाई हम लोगों को देख के खेलना पड़ेगा। वो तो अच्छा हुआ भाई ब्लैक भाई जिंदा थे, तो हम लोग आ गए जल्दी जल्दी से। एंड यस अब भाई यार हमको भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। एंड ये कौन मार रहा है मेरे को। चलो भाई अब ऊपर वाला फ्लोर चेक करते हैं एंड भाई आई डोंट नो कि भाई वो चीज़ क्या है जो हमें मिलेगी, एंड उस चीज़ से गाइज हम लोगों को बॉर्ची का कोई क्लू मिलेगा। झूला झूला कहाँ है, झूला है क्या ये? अबे झूला नहीं, ओए विदर साले कितने विदर स्पॉन होते हैं इधर भाई। अच्छा हुआ भाई मर गया, मैं डर गया था अभी कितने विदर स्पॉन हो रहे इधर। ओके भाई सही है भाई, विदर विदर स्पॉन ना हो ज्यादा तो। पता नहीं भाई इधर विदर स्केलेटन इतने कहाँ से आ रहे। चलो ऊपर वाले फ्लोर पे चलता है, आई थिंक ऊपर वाले फ्लोर पे अपने को कोई क्लू मिले। ऊपर वाला फ्लोर भी भाई पूरा खाली है भाई, आई डोंट नो इसके अंदर क्या क्या है ऐसा जो भाई पूरा खाली पड़ा हुआ है। आई डोंट नो कि भाई इसके अंदर का क्या क्या माल है। एंड तुम लोग को कुछ दिख रहा, अबे यार ये सब मत लगाओ भाई इधर। देखो भाई ये तो अपना थ्रोन बना के बैठ गया। बट नूब भाई, भाई इतनी इंटेंस सिचुएशन में देखो हंसना आ रहा है। एंड भाई इधर कोई स्पॉन स्पॉन भी नहीं हो रहा, सही है भाई। एंड इसके ऊपर भी कुछ हो सकता है, आई थिंक इसके ऊपर तो ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। बट भाई इसके अंदर ऐसा है क्या जो उसने हमें कहा था कि ये जो है ये कासल बहुत ज्यादा खतरनाक है। आई डोंट नो भाई ऐसा क्या सीन है, बट स्टिल भाई कुछ तो खतरनाक है कासल के अंदर बाय द वे। नहीं चाहिए डायमंड, डायमंड चाहिए ना, चाहिए डायमंड, डायमंड दू, डायमंड चाहिए ना भाई, डायमंड चाहिए टेक्नो ब्लेड, और डायमंड चाहिए। एक मिल गया, मेरे से ज्यादा फालतू नहीं भेड़ू। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर एनविल क्यों रख दिया भाई? आई थिंक कोई दिक्कत है। आई थिंक भाई मेरे को ऊपर जाके भी चेक करना पड़ेगा, क्या पता ऊपर भी कुछ हो, बिकॉज आई डोंट नो भाई यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो आई डोंट नो कि भाई क्या करना चाहिए। अबे लावा भाई, मजाक नहीं भाई, फिलहाल मजाक नहीं, फिलहाल चलो ऊपर चलते हैं, क्या पता ऊपर कुछ हमें क्लू मिल जाए। ओके भाई पता नहीं यार वो विदर कैसे स्पॉन हुआ था, बट स्टिल हो गया तो क्या कर सकते हैं। अबे अब तो पूरा विदर स्पॉन हो गया भाई 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 भाई, भाई। यार मैं शील्ड भी नहीं लेके आया, हट भाई भाई भाई, ये तो डैमेज गलती है भाई, विदर गलती विदर है ये। मेरे को ही क्यों टारगेट कर रहे हो बे सारे, मेरे पे आ जाओ भाई, विदर को मारो यार। पिछली बार भी भाई यही हुआ था, मतलब इस बॉर्जी का विदर विदर से कुछ रिलेशन है कि ये बस विदर ही स्पॉन कर रहा है। अबे ब्लै भाई तू भी मार ले यार टेक्नो ब्लेड। आ ये मेरे पीछे पड़ गया भाई, रुक जाओ भाई मेरे को लगता है खाना खाना पड़ेगा थोड़ा, वरना ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। आजा आजा आजा, अबे आना, अब आना आना, आजा 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 भाई, तेरे को तो मैं ही पेल देगा, हट जा भाई। वो भाई ऊपर चला गया लिटरली भाई, पक्का लग रहा है कि अब बॉर्ची और विदर का कोई रिलेशन है, क्योंकि जब हम पिछली बार भी गए थे तो भी इधर विदर ही स्पॉन हुआ था लिटरली। ओ भाई मारो इसको यार, मेरा कासल तोड़ दिया। अबे भाई कासल की पड़ी है, हमें इसकी पड़ी है बॉडीगार्ड। ओके बॉडीगार्ड है क्या, और इसका नाम बॉडीगार्ड है, व्हाट? ओके आई थिंक मैं जाने वाला हूँ, जस्ट मैं जाने वाला हूँ आई थिंक। भाई 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 कितना ज्यादा पावरफुल है भाई, ये मर भी नहीं रहा।
आई थिंक ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा शायद। ओके भाई एक मिनट रुक जाओ भाई। यस भाई ये मेरा पीछा कर रहा है, लिटरली मेरे पास ही आ रहा है। आ जा आ जा आ जा आ जा, ये ले भाई। मेरे को लगता है भाई मेरे को इधर से इंटेंस फाइट लेनी पड़ेगी। अरे भाई तुम भी लोग मारो भाई से। ओ भाई टोटा भाई 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 इतना बच गया भाई अभी। अरे भाई ट्रिक कुछ तो अलग ही चल रहा है। मेरे को भाई सेव करो यार, मेरे को सेव करो भाई, मेरे को सेव करो, मेरे को सेव करो जल्दी। मार दिया क्या ये भाइयों? तुम लोग तो ओपी हो गाइस, अपने लिए एक तालियां बजा लो। बाय द वे गाइस तुम लोग देख सकते हो इधर भाई चांद भी कैसा दिख रहा है लिटरली। कोई नहीं अबे टोटम है क्या किसी पे यार? टोटम दे दो यार एक मेरे को। टोटम है क्या टेक्नो? ओए टोटम है नूबड़े इंसान। ओ भाई मेरे को दे दो भाई टोटम, जिस पे भी है टोटम एक तो दे दो यार मेरे को भाई टोटम की। गाइस मेरे को काफी ज्यादा जरूरत है। ओके मिल गया एक टोटम, नाइस वन नाइस। ओके टोटम मिल गया नाइस, बस यही चाहिए।